बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपने करियर में एक आइकॉनिक सुपर हीरो का कैरेक्टर निभाने जा रहे हैं जिसका नाम है शक्तिमान। वैसे रणवीर सिंह को यह प्रोजेक्ट मिलने की वजह से चर्चा तो हो रही है, पर शक्तिमान के प्रोड्यूसर सोनी पिक्चर्स के साथ साथ साजिद नाडियाडवाला भी इससे जुड़ गए हैं। बस किसी के इच्छा दिमाग से ना फिल्म का काम खराब ना हो जाए। आप तो समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, साजिद की बात कर रहे हैं। वैसे क्या ये शक्तिमान देखकर ओरिजिनल शक्तिमान की याद हमें आएगी? तो हाँ, जरूर आएगी, क्यों नहीं आएगी। शक्तिमान एक ऐसी सीरियल थी जो कि 90s के जमाने में ही नहीं बल्कि आज बच्चों बूढ़ों सभी को ना बहुत एंटरटेन करती है। वो हमारे दिल के बहुत करीब है, तो उसे तो हम कभी नहीं भूल सकते हैं। पर जहां तक उस सीरियल की और इस फिल्म की बात है तो कंपैरिजन भी होगा, पर इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि शक्तिमान का कैरेक्टर जिन्होंने निभाया था वो एक्टर मुकेश खन्ना ही फिल्म के साथ जुड़ने वाले हैं। उनकी स्टोरी को फिल्म में लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। इस फिल्म से जुड़ी हर एक अनाउंसमेंट वो अपने चैनल के थ्रू कर चुके हैं और रणवीर को लेकर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना कुछ ऐसा सुनाई दे ही देता तो वो रणवीर सिंह को गाइडेंस दे सकते हैं। स्टोरी लाइन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है, मतलब जहां से एक्चुअल में क्रिटिसिज्म मिलने की थोड़ी सी टेंशन होती है ना, वहीं से फिल्म को गाइडेंस मिलने वाला है, यानी मुकेश खन्ना की तरफ से, जिनके लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जाहिर है कि मुकेश खन्ना ऑडियंस से ये नहीं कहेंगे कि आप ओरिजिनल शक्तिमान और रणवीर वाले शक्तिमान में कंपैरिजन करें, बल्कि वो यही कहेंगे कि इस फिल्म को और इस शक्तिमान को प्यार दीजिए। तो वो खुद ही कंपैरिजन ना करने की सलाह देंगे, तो ये फायदेमंद होगा फिल्म के लिए। वैसे मुकेश खन्ना की टीवी सीरियल की स्टोरी इस फिल्म में होगी तो कैरेक्टर्स भी सेम ही होंगे। अब उस टीवी सीरियल का विलन था किलविश, तो फिल्म में ऐसे विलन का कैरेक्टर निभाने के लिए कोई तगड़ा ही एक्टर चाहिए। तो रणवीर के सामने टोविनो थॉमस जैसे साउथ एक्टर हो सकते हैं विलन के रूप में। ये मलयालम फिल्म मिन्नल मुरली में लीड हीरो बनकर नजर आए थे और ये बेसल जोसेफ की फिल्म थी जो कि शक्तिमान को डायरेक्ट कर रहे हैं। अब मिन्नल मुरली ये सुपर हीरो फिल्म थी, तो एक कामयाब सुपर हीरो फिल्म का लीड हीरो और डायरेक्टर शक्तिमान से जुड़ेगा तो शक्तिमान का स्केल और भी मजबूत हो जाएगा। विद शक्तिमान सीरियल में किलविश के साथ साथ कभी इलेक्ट्रिक मैन, कभी एलियन जैसे दिखने वाले शैतान, कभी रोबोट की तरह दिखने वाले छोटे मोटे विलन्स थे, तो डिट्टो वही स्टोरी होने की वजह से इस फिल्म में भी हमें ये सब दिखाई देंगे, यानी साइंस फिक्शन एलिमेंट का जबरदस्त तड़का लगेगा। जहां रोबोट्स होंगे इसमें टाइम ट्रेवल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकता है, साथ ही वीएफएक्स से भरपूर होगी ये फिल्म, तो ये कोई हल्की फुल्की फिल्म नहीं होने वाली है। तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है इस फिल्म से, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।